स्वागत है सुरभि स्वीटो में। आज मैं आपको एक अमेजिंग कहानी बताऊंगी। एक इसका ये कहानी बहुत अमेजिंग थी। एक बार एक बटरफ्लाई होती है जो दरअसल एक परी होती है, लेकिन वो बटरफ्लाई बन सकती थी और वो बहुत नॉटी टाइप की होती है, जैसे बच्चे में नॉटी होती वैसी। तो वो एक दिन तितली बनके घूम रही थी, तो उसे एक औरत मिली जो कुछ बोल रही थी। उसने खिड़की के पीछे से देखा, वो औरत बोली कि मेरी बेटी कब आएगी स्कूल से, तो अभी तक फोन आया नहीं है। तो बटरफ्लाई को भी चिंता हुई कि ऐसे कैसे हो गया। तो वो उस लड़की के स्कूल में चली गई गलती से। तो वो वहाँ उस लड़की को देखा कि उस लड़की का पैर एक वो दल मीन्स जो नहीं जानवरों को पकड़ने के लिए केज टाइप कर रखा होते वो या दलदल टाइप का था ना, उसमें उसका पैर फंस गया था, इसलिए वो आ ही नहीं रही थी। उस परी ने जादू से उसके पैर का ठीक कर दिया और फिर उसने परी को देखा तो वो भी उससे दोस्ती करी। एक दिन एक हंटर था जो तितलियों और परियों को पकड़ लेता था। एक दिन उसने इस परी को पकड़ लिया। फिर उस लड़के ने क्या किया, वो हंटर जब बाहर गया ना, मीन्स हंटर आया, उसने बोला कि मैं एक शर्त पे तुम्हें ये परी दूंगा। तो बोले हाँ बताइए शर्त क्या है। वो बोले क्या बोलते है, मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओ जो सोने जवाहरात हीरे मोती से बनाओ, ना कि लकड़ी और इन सब से। तो बोले ठीक है। वो रात भर काम करती रही और उसने दिन होते होते काम खत्म कर लिया। और जब वो आई तो एक कैनवस लेके आई और उसने बोला कि ये नहीं महाराज आपकी पेंटिंग। तो बोले आप अरे तुम तो एक तरीके से शर्त तो जीत ही गए हो। अगला तुम जाओ और उस ऐसे प्लांट को ढूंढो जो अपना पानी खुद बनाता हो, लेकिन वो यहाँ का ना हो। तो बोले ठीक है ये बहुत आसान है सर। और वो गई और उसने वहाँ का वो क्या बोलते हैं कैक्टस होता है ना कैक्टस, वो कैक्टस लिया और बोला कि ये अपना पानी और खास वो सब खुद बनाता है और यही प्लांट है जो धूप में भी मुरझाता बिल्कुल नहीं है और यहाँ का बिल्कुल नहीं है ये प्लांट। और फिर वो बोले मैं तुम्हें वो बटरफ्लाई दे दूंगा धन्यवाद। और फिर उसने उसे बटरफ्लाई दे दी और बटरफ्लाई और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म। और दोस्तों है इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना तो आपको क्रिसमस में जिंगल बेल नहीं सुनाई देगी। और आप खुश रहे और हमेशा अपना ध्यान रखें।